नमस्कार इंडिया न्यूज हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से शिमला से कामेश्वर शर्मा जी हैं, हमीरपुर से जीवन कुमार और कांगड़ा से संजीव महाजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा था। सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे पर ये चर्चाएं निकल कर सामने आई कि सीएम सुक्खू से लोकसभा चुनाव को लेकर जो गतिविधियां हैं वो तय करने की जो का जो आह्वान नेतृत्व ने किया है। सबसे पहला कमेंट जो है कामेश्वर से इस पर लेना चाहेंगे कि सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरे को किस तरह से देखते हैं कामेश्वर। कामेश्वर मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद कामेश्वर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं सीधा इसे जो जानकारी है वो जीवन कुमार से लेना चाहूंगी। जीवन, आज सीएम सुक्खू दिल्ली आए हैं और इसी बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की भी घोषणा कर दी गई है। सीएम सुक्खू का एसीसी की बैठक में आना और लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक है 2024 के, इसको लेकर क्या गतिविधियां हैं हिमाचल प्रदेश में? जी श्वेता, जानकारी ये है कि जब कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों की तिथियां घोषित हो गई हैं, तब हिमाचल में भी लोकसभा के चुनावों की जो गतिविधियां वो शुरू होने को हैं। एसीसी की बैठक में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, वहां इस चीज पे मुख्य रूप से चर्चा होगी कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए और किस तरह से जो अगला चुनाव है उसमें जो उम्मीदवार रहेंगे उनके ऊपर भी आज दिल्ली में इस बैठक में चर्चा होने को है। जी, आज एक बड़ी बैठक हुई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में कई विभागों में, सरकारी विभागों में विलय की मांग को लेकर जो कितने भी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर रहते हैं। कांगड़ा से भी हमने खबर देखी, हमने बिलासपुर से भी खबर देखी, हमने सोलन की खबर भी दर्शकों तक पहुंचाई। ये विभाग में विलय की मांग को लेकर संजीव जी आपसे पूछना चाहूंगी कि कितने लोग आप बता सकते हैं कि विभाग में विलय की अभी तक मांग कर रहे हैं? संजीव, ऐसा है कि हम बात करें विभाग की विलय की बात, तो ये जिला परिषद कैडर अधिकारी कर्मचारी महासंघ में जिसमें सचिव और जो टेक्नीशियन और जो इनके विभाग में आते हैं वो सभी हिमाचल में जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी विभागों में विलय करवाने का जो है वो अभी से नहीं, वो पिछली सरकार से ही मांग करते हुए आ रहे हैं। हम बात करें इनके कितने एम्प्लॉइज हैं, वो मेरे पास अभी इतना डाटा नहीं है जिसमें मैं एग्जैक्ट बता पाऊं, लेकिन ये मांग जो उठ रही है ये अभी के नहीं है। हालांकि जब भाजपा की सरकार थी तब ये लोग जो इस बात को लेके मांग करते थे, तब कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी तो आश्वासन देती थी इन एम्प्लॉइज को कि हमारी सरकार आएगी तो आपका जो मुद्दा है उसका सबसे पहले हल किया जाएगा, लेकिन सरकार बने 9 महीने हो गए हैं, जब नहीं हुआ तो ये कर्मचारी जो है अनिश्चितकाल जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार को भी और पंचायतों को कार्य को भी प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। जी जी जी, पंचायती राज के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि वो पंचायत पर पंचायत में कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है क्योंकि सभी कलम छोड़ो हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। एक खबर भी हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, वो ये कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि बागवानी टेक्नोलॉजी मिशन का जो पैसा है उसका जो पैसा जितना भी व्यय करने के लिए आता है सरकार के पास जितना भी बजट उसका आता है उस पैसे को उस बजट के पैसे से जो मंत्री हैं वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं। आप में से कौन इस सवाल का जवाब देना इच्छुक समझेगा? जी श्वेता, मैं जी बिल्कुल जी, जी बात किया जाए जो विदेशी दौरे को लेकर बात की जाए तो जो प्रवक्ता संदीप ने भारद्वाज ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि खासकर अगर देखा जाए तो
बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, सीपीएस जो संजय अवस्थी और अन्य दो विधायक द्वारा जो विदेशी दौरे पर जा रहे थे, ऐसे में उन्होंने रोक लगाई, कहा कि वैसे ही जगत सिंह नेगी जो कि बागवानी मंत्री है, उन्होंने फिर नया फैसला लेते हुए कहा कि अब फिलहाल अधिकारी ही विदेशी दौरे में जाएंगे और जो वहां पर जो सर्वे है, वहां की जो वास्तुस्थिति है उसको जानकर जो हिमाचल प्रदेश में क्या नया होगा उसके बारे में जानकारी प्रेषित करेंगे। जी 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 जीवन, आप भी कुछ कहना चाहते थे इस पे? मैं कहना चाह रहा था, जैसे कि हमारे साथी संजीव जी ने कहा, ये जो इन जो जिला परिषद कर्मचारी जो कैडर के सारे कर्मचारी हैं, इनकी संख्या 4,500 के करीब है पूरे प्रदेश में, और ये पिछले 24 वर्षों से हड़ताल पे हैं। मैम ये बहुत एक शोचनीय बात है, लेकिन सरकार जैसे कि आउटसोर्सिस पे फैसला लिया, उसी तरह से ये भी एक तरह का उसी तरह से लटका हुआ फैसला है। सरकार चाह रही है नियत जो कमीशन है उसके थ्रू ही लोगों की जो अपॉइंटमेंट्स है वो हो, उसके बाद जो रेगुलराइजेशन का जो व्यवस्था है उसको अमल में लाया जाए। जी श्वेता, नहीं पर इससे तो कहीं ना कहीं जो पंचायत अधिकारी है वो भी तो बाधित हो रहे हैं ना। अब पूरे प्रदेश में सभी लोग, अगर सभी जो पंचायत के अधिकारी हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, अगर वो कलम छोड़ हथियार के चले जाएंगे तो इस स्थितियां को कहीं ना कहीं शरमराती हुई सामने आ रही है। बिल्कुल सही कहा कि इन कर्मचारियों के ना होने से जो सामाजिक व्यवस्था है, जो पंचायत सब के जो कार्य है, वे पूरी तरह से बाधित है। पिछले 24 वर्षों से इनकी हड़ताल चली आ रही है और जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को, ग्राम की जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस मामले में पिछले 24 वर्षों से कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी श्वेता, लगातार हम इस लाइव सेशन के माध्यम से ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। हमने पहले भी एक लाइव सेशन किया है, उसमें हमने जो मिड डे मील कर्मचारी हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा था, उसका तुरंत कह सकते हैं कि विद इन 2 or 3 days में ही सेंटर से पैसा जो है वो आ गया। इसी बीच अगर जनता कोई सवाल पूछना चाहती है तो वो भी आमंत्रित है, क्योंकि देखिए ना, मैं आपको सभी को बताना चाहूंगी कि जनता जो है 3:45 पर ऑन डेट पहुंच जाती है और सवाल जो है लगातार जनता की तरफ से भी आते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की किन खबरों को प्रमुखता के साथ देखना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की कौन सी खबर है, वो किस जिले में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के काफी लोग यहाँ से जुड़ते हैं के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम किसी एक मुद्दे पर आएंगे। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि किसी आपके राज्य की या आपके विधानसभा क्षेत्र की मुद्दे पर बात की जाए तो जरूर आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस विधानसभा क्षेत्र को लेके क्योंकि कुछ जो है मटेरियल है वो जोड़ने की कोशिश करूंगी और आपसे भी जानकारी प्राप्त करती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद।